शाम का वक्त 6 बजे तक में देखो पूरा एकदम छत पर सरिया बिछा दिए हैं, पंखा वाला और लाइट वाला ये सब तो ले लिए, और पाइप वगैरह भी लेना है। बाकी आप लोग बताना अभी कैसा लग रहा है, आप सभी लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया उसके बदौलत जो हम ये किए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी दोपहर का वक्त है और आज बहुत बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। आप सभी को पिछले ब्लॉग में दिखाया कि हमारे घर का सेंटरिंग का सारा काम समाप्त हो गया है, और जैसे ही टाड़ा लादा यहाँ पर देखो छोटा भाई सोता है, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर दीदी सोती है गैलरी में। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि लगभग 2-3 दिन में हमारे छत का ढलाई भी हो ही जाएगा। उसके लिए ये देखो सरिया वगैरह भी काट लिया गया है, पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा देखो सीधा कर दिया गया है। इधर इतना है और अभी इधर ये सब तो सीधा करना ही करना है। ऊपर चलते हैं और आप सभी लोग बताना जो वो मोल्डिंग वाला डिजाइन है, जो छज्जा वाला डिजाइन है, कैसा लगा आप सभी को? हम लोग को तो सच में वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया है। हाँ छत पे थोड़ा दिमाग से बेचारा वैसा है। तो इधर टेप वगैरह भी देखो प्लाई वगैरह में लग गया है, और जो ऑयल होता है ना ताकि फिनिशिंग बढ़िया सा है, इसमें मसाला वगैरह ना चिपके, वो भी देखो छिड़काव कर ही दिया गया है। इधर थोड़ा सा बचा हुआ है और ये रहा अपना प्यारा सा डिजाइन। मोल्डिंग वाला डिजाइन देखो कितना बढ़िया लग रहा है, हमको बउरा कह रहा है, अपना खुद बउरा है। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो इधर भी टेप वगैरह लग ही जाएगा। इस समय इतना भयानक धूप हो रहा है ना, देखो 12 बज रहे हैं, एकदम कचा का तगड़ा धूप। दादा एक दिन में समाप्त हो जाए सरिया ऊपर की, 2 दिन में आज खत्म? तो सरिया चढ़ाने की तैयारी हो रही है, देख लो भैया मोल्डिंग ना टूटे बड़का बाबू। डर लग रहा है मोल्डिंग पे ना लग जाए। तो अभी दोपहर के तो 1 बज चुके हैं, और इधर साइड देखो सरिया बिछा दिया गया, और इधर साइड भी बिछा ही दिया गया, बस ये बीच में थोड़ा घटबड़ी जैसा है ना, तो इसके लिए अलग से काटना पड़ेगा। तो अभी काट ही रहे हैं, वो देखो तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और हम ना थोड़ा सो गए थे, थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, इसलिए हम कुछ भी ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाए। और अभी शाम का वक्त 6 बजे तक में देखो पूरा एकदम छत पर सरिया बिछा दिए हैं, और इधर साइड ना बहुत बचा बचा के सरिया मोड़ा गया है, वरना कहीं कहीं लग जाता था ना तो इसे देखो थोड़ा थोड़ा फूट जा रहा है, ऐसे ऐसे करके काफी ज्यादा फूटा है, लेकिन इतने से उतना तो फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह के 8 बज रहे हैं और काफी मस्त हवा चल रहा है, और थोड़ी देर बाद दोस्तों हम लोग का गिट्टी और मोरंग भी आने ही वाला है। तो अम्मा अभी साफ सफाई कर रही है, और हम लोग का छत पर तो सरिया तो लग ही गया है, और आज उसके ऊपर पाइप वगैरह लगवाना है, जो वायरिंग वगैरह होता है, और पंखा का जो सॉकेट वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, वो सब लगाना है। तो अभी पिताजी गए हैं गांव में पूछने उसका प्राइस वगैरह, अभी आया है जो छत ढलाई से पहले जो जो सामान लगता है ना वो सब लाने, जैसे ये देखिए ये पंखा वंखा वाला जो सॉकेट वगैरह ये सब होता है, और जो लाइट वगैरह लगेगा छत में जो छत के बराबर रहता है उसका जो होल्डर सॉकेट जंक्शन पता नहीं क्या बोलते हैं वो सब लाने के लिए यहीं पर पिताजी भी हैं। और है पिताजी ये देखिए ये वाला ये लाइट वाला है, ये जंक्शन बोलते हैं शायद इसको,
तो इसे करके 10 लेना है। ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग है लेकिन चल जाएगा काम। एक दर्जन, हाँ एक दर्जन चल जाएगा काम। ये वाला घर के सामने जो छज्जा है ना दोस्तों, उसके नीचे लगाएंगे ये वाला। पंखा वाला और लाइट वाला ये सब तो ले लिए, और पाइप वगैरह भी लेना है। कौन सा वाला लेना दादा? पाइपिया ये वाला। ये तो पूरा एकदम माला गोई उठा, टांग के ले चलो साइकिल पे। ये देख लो। हाँ बढ़िया बढ़िया, ऐसे साइकिल पे टांग के ले चलो गांव भर में बेचते बेचते। पूरा सामान तो हम लोग ले लिए। और ये देखो ये बर्फी, हम लोग बोलते हैं इसे गांव देहात में कवरिंग होता है जो। ये वाला ये देखो सरिया के नीचे जो रहेगा ना, लाओ इसको ला देते हैं भैया। अब बढ़िया है, चलो दादा चलो चलो आइए। ठीक है चल रहता हूँ घर ना। ठीक है लो बंगार वाला भाई साहब, सोना चाहते बदल लो लो भाई स्टील से। ये डायरेक्ट इसको छते पे ले जाते हैं। बंगार वाला यही सब काम शुरू कर दे का। अरे मैयरे हतवा दर्द करने लगो। दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है, 2 बज रहे हैं, और हम लोग को लग रहा था दोस्तों कि आज शायद ये पाइप वगैरह भीग जाएगा इसके ऊपर, और पंखा वंखा वाला जो वो सब लाए थे लाइट वगैरह वाला वो सब भी सेट हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाया। और सेंटरिंग का ये जो नीचे ये प्लाई वगैरह लगा होता है ना, इसको भी सेट करना रहता है। ये तो अभी नॉर्मल ऐसे खड़ा किए हैं, इसको बराबर लेवल में करना रहता है। तो सेंटरिंग वाले भी भाई लोग नहीं आए हैं, और माल वगैरह भी नहीं गिरा अपना, गिट्टी और मोरंग और सीमेंट भी। गिट्टी तो केवल एक ट्राली गिर गया है, वो देखो गिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना, वो एक ट्राली गिट्टी गिर गया है। तो अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना ये काम तो हो ही गया है पूरा, समझ लो कि छत लदने के लिए एकदम रेडी हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मोटा काम है। बाकी आप लोग बताना अभी कैसा लग रहा है, आप सभी लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके बदौलत जो हम ये किए हैं। मतलब ये कितनी खुशी की बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एक वो दिन था कि हमारा जो छत था उससे पानी टपकता था, नीचे घर में पानी भर जाता था। अभी वो तो दूर की बात है, अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले पानी बरसात हुआ था, उधर हम लोग झोपड़ी में कैसी स्थिति से गुजर रहे थे, पूरा नीचे बिस्तर का पानी वगैरह भरा था डमाडम। तो क्या ही बोलें, जो भी मतलब हुआ बुरा दिन आया सो कोई बात नहीं। और मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ इसके लिए ना आप लोग को ना भाई, सच में कम है कसम से। मतलब किस मुँह से मैं थैंक यू बोल के अदा करूँगा आप सबका ये प्यार और सपोर्ट। आप लोग दोस्तों बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये काम पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।